नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से भरी मिर्च पकोड़े। मिर्च पकोड़े बनाने के लिए मैंने चार मिर्ची ली है मोटी मोटी और एक आलू लिया है। आधा आधा कटोरी मैंने बेसन लिया है। अब हम आलू का मसाला बना लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे। मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, एक पिंच हल्दी और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा अमचूर, आधे चम्मच से भी कम अमचूर डाल दिया और काली मिर्च पाउडर। अब मैं इन सबको मिलाकर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब मैं इन सबको मिलाकर मिर्ची में भरने के लिए मसाला तैयार कर लिया। देखिए, मिला लिया। अब हम इन मिर्चियों को भर लेंगे, आलू का मसाला भर लेंगे इनके अंदर और फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे बेसन में लगा कर। ये मैंने मिर्चियों की चीरा दे लेंगे इस तरह और फिर इसके अंदर इस तरह आलू भर देंगे। देखिए, अच्छे से आलू भर देंगे। ये हमारी मिर्चियाँ भर गई है। अब हम बेसन का घोल कर लेंगे। अब हम बेसन का घोल कर लेंगे। बेसन में हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया और थोड़ी सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी और अब मैं इसे घोल लेती हूँ। हमें बेसन मीडियम घोलना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी वो डाल देंगे और फिर अच्छे से घोल लेंगे। जब तक हमारा बेसन फूलता है, बेसन घोल लिया है, हम गैस ऑन कर देते हैं और तेल गरम कर लेते हैं और फिर हम इसमें पकौड़े उतारेंगे। ये देखिए, इस तरह का हमने घोल रखा है। ये देखिए, हमने इस तरह का घोल रखा है। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है और ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं करना है और हमें बिल्कुल सही रखना है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने गैस थोड़ी सिम कर दी है, थोड़ी मीडियम कर दी है और अब हम पकोड़े उतारेंगे। ये देखिए, इस तरह मैं लगा दूंगी, अच्छे से हमारे पकोड़ों के बेसन लिपट जाए। इस तरह का हमें बेसन रखना है। ये देखिए, इस तरह डाल दें। और आराम से इन्हें सिकने दें, लाल होने तक इन्हें अच्छे से सिक लेंगे ताकि अंदर से सिकाया जाए। अब हम गैस मीडियम रखेंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। ये देखिए, हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, लाल लाल सिक गए अच्छी तरह। अब हमने निकाल लेंगे, देखिए पकोड़े निकाल लिए। ये देखिए, हमारे मिर्च के स्वादिष्ट पकोड़े बनकर तैयार है। मैंने यहाँ आलू की मिर्च के पकोड़े बनाए। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।